కాంగ్రెస్ నేత మల్లికార్జున్ ఖర్గే మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. గవర్నమెంట్ మజబూత్ హై, కాంగ్రెస్ కి గవర్నమెంట్ చల్ రహీ హై ఔర్ వో చలేగి. ये कोई इलेक्शन गवर्नमेंट को कोई धक्का नहीं लगा सकता. और तीसरी बात, आपको ये भी मालूम है कि ये पहली बार हमसे कर्नाटक में नहीं हो रहा. देश में बीजेपी ने हमेशा ये कोशिश की है, चाहे वो गोवा का हो, मणिपुर को हो, उत्तराखंड का हो और अरुणाचल का हो. आपको सभी को मालूम है कि उनको किसी ढंग से तोड़ फोड़ के जोड़ना, सरकार कर लेना उनकी इच्छा है. लेकिन उसमें कभी भी वो कर्नाटक में कामयाब नहीं हो सकते. हमेशा जो आदमी झूठ बोलते जाता है उस पर किसी का विश्वास नहीं रहता. तो ये कांग्रेस मजबूत है ये बताने के लिए मैं आपके पास आया हूँ. और सारे देश के जनता को भी मैं अपील करूँगा कि वो देखे किस ढंग से एक स्टेबल गवर्नमेंट को वो हटाना चाहते हैं और किस ढंग से उनको उनका शोषण करना चाहते हैं, शासकों को डराना धमकाना चाहते हैं. ये भी देश के जनता के सामने आपके माध्यम से रखना जरूरी था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. और कांग्रेस जेडीएस के सारे नेता भी मिल रहे हैं. हमारी पार्टी की भी सीएलपी मीटिंग भी परसों हो रही है, उसमें सभी लोग एक जगह आएंगे, इकट्ठा होकर पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है. वहाँ सरकार हिल रही है, डुल रही है, आज जा रही है, कोई एक घंटे में बोलते हैं, कोई 24 घंटे में बोलते हैं, कोई 48 आवर्स में बोलते हैं, कोई ऐसा बोलते बोलते वो लोग हर जगह अपनी कोशिश को जारी रखे. अगर इतने मजबूत अगर होते तो आप अपने एमएलएज को गुरुगांव में क्यों रखते हैं, गुरुग्राम में, पंचतारा होटल में, 5 स्टार 7 स्टार होटल में आप उनको रख के क्यों उनकी रक्षा कर रहे हो? छोड़ दो, आप तो लोकतंत्र में विश्वास करते हो और लोकतंत्र के तहत चलने की शिक्षा बोधन सबको करते हो. आप क्यों नहीं अपने एमएलएज को छोड़ रहे हैं? वहाँ पकड़ के रखे हैं, पाप बेचारे परेशान हैं. हमारे पास संक्रांत बहुत बड़ा फेस्टिवल है कर्नाटक में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, तो ऐसे वक्त भी उनको यहाँ पर ला के रखा गया है. तो इसी पे समझिए आप कौन कमज़ोर है. तो मैं ज़्यादा फिर ना बताते हुए दूसरा एक जावड़ेकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जुलाई के बाद में एडमिशन देंगे क्योंकि मई में इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, तब तक ये जुमला चलेगा जुलाई तक. अरे संविधान में तो ये है, आर्टिकल 15 में ये क्लियरली लिखा है, आर्टिकल 15(5) गोज वन स्टेप फर्दर एंड एम्पावर्स द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन इन एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस वेदर आर नॉट एडेड बाय गवर्नमेंट. तो एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, ये तो पहले से है संविधान में, उसको अमल में लाना था, अमल में नहीं लाया. शेड्यूल कास्ट को ही नहीं दिए और अपर कास्ट को जुलाई में देने की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन टल जाए. तो ये हमेशा ये एक नए नए जुमले बनाते रहते हैं. उसमें से एक जुमला जावड़ेकर साहब के मुंह से आया है. अगर इतनी गरीबों को मदद करने की आपके पास उदारता है,
तो हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी के लिए लड़े, वो बिल आया था, रुक गया। ये चार साल में क्यों नहीं लाए, साढ़े चार साल में? और बैकलॉग वैकेंसीज क्यों फिलअप नहीं किए? तो ये चीजें जो उनके हाथ में है वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, वो अनुष्ठान में नहीं ला रहे, लेकिन दूसरे दूसरे जुमले बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि उनके जुमले बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ये सब खास करके मैं कर्नाटक के लिए बोलूँगा कि जो भी आज मीडिया में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। सरकार मजबूत है, सरकार चलेगी, सरकार को चलाएंगे। धन्यवाद। हाँ बोलिए सर। जी पहले से अलर्ट किया गया था और ये भी कहा गया था कि कुछ रिजेंटमेंट है, उसको इग्नोर किया गया, तभी ये स्थिति बनी है। इसमें कितनी सत्यता? देखिए, जब कोई भी गवर्नमेंट होती है, किसी को मिनिस्टर नहीं बनाए तो नाराज होता है, उसको समझाना बुझाना, ये तो पार्टी में, हर पार्टी में चलते रहता है। तो ये उससे कोई ये नई चीज़ नहीं किसी पार्टी में। हाँ, अलबत्त बीजेपी अब इधर इधर बोलने का ही बंद की है, तो उनमें नहीं हो सकता। जिस पार्टी में बोलने की इजाज़त है, मांगने की इजाज़त है, लोगों से मिलने की इजाज़त है, वहाँ ज़रूर थोड़ा होता है, लेकिन उसको सॉल्व करने में हम लोग समर्थ हैं, उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं बीजेपी को। इसी से संबंधित है, इसी से संबंधित है सर, सीबीआई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने, एक मिनट रुक जाइए, पहले जो शो मोटर्स आप खड़गे जी, कर्नाटक में ये तो खुद पार्टी ने माना है, जो उनके चार से पांच विधायक मुंबई में और उनसे संपर्क नहीं हो रहा है, तो बयान कभी आया था? ये देखिए, चार से पांच जो गए वो अलग अलग, कोई शिरडी साईं बाबा गया है, कोई बम्बई में वहाँ पर शादी के नाते गया है, तो उनको सबको मिलाकर वो पूछ कर रहे हैं कि वो गया ये गया। अब बहुत से लोग, एक दो लोग वापस जाकर वहाँ पर स्टेटमेंट भी दिए, हम कहीं नहीं गए थे। एक ने कहा मैं शिरडी में था क्योंकि सब फैमिली को लेके, दूसरे ने ये कहा कि मुंबई में मेरा काम था, मैं चले गया था, मैं वापस आ रहा हूँ। तो नहीं नहीं, ये वो सत्य है, दो इंडिपेंडेंट नहीं नहीं, विड्रॉ सपोर्ट दोनों ने किया, क्योंकि उनको कोई दिक्कत ये थी कि वो तीन महीने तक मिनिस्टर था, किसी वजह से उसकी मिनिस्ट्री गई।